गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों का ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर अपने लास्ट की तरफ बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे बच्चों, और ये लगभग एंड की तरफ बढ़ रहा था। हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था कि एग्रीकल्चर क्या क्या इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल्स फॉर द एग्रोबेस इंडस्ट्रीज एंड फूड मटेरियल्स। फिर मैंने बताया था मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, फिर मैंने बताया था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फिर मैंने बताया था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को डिफरेंट नेम से जानते हैं, स्लैश बर्न पेडू बेड़वा बेवार थानिया, डिफरेंट नेम से डिफरेंट जगहों पर जाना जाता है। इन डिफरेंट वर्ल्ड में भी डिफरेंट कंट्रीज में इट इज़ नोन बाई द डिफरेंट नेम्स। फिर इसके बाद मैंने बताया था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बाद मैंने बताया था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसके बाद मैंने बताया था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फिर मैंने बताया था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रिमिटिव इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फिर मैंने बताया बच्चों आपको कॉमर्शियल फार्मिंग। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये T3 मेथड ऑफ फार्मिंग बताया था। फिर मैंने क्रॉपिंग पैटर्न बताया, रबी खरीफ जायद क्रॉप्स सभी के एग्जाम्पल बताए, टाइम पीरियड बताया। आफ्टर दैट फिर मैंने स्पेशल कुछ क्रॉप्स के बारे में स्टडी कराया आपको, जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है, आपका राइस है, आपका फीट है, डिफरेंट टाइप्स के मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं। बेवरेज क्रॉप में मैंने कॉफ़ी टी आपको एक्सप्लेन किया। कॉफ़ी टी एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैंने आप लोगों को एग्रोबेस इंडस्ट्रीज एग्रोबेस क्रॉप के बारे में पढ़ाया, उसमें मैंने जूट पढ़ाया, रबड़ पढ़ाया एंड कॉटन पढ़ाया। आफ्टर दैट फिर हम लोगों ने एग्रीकल्चर के कुछ चैलेंजेस पढ़े, और आप हम लोग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। इस शॉर्ट वीडियो में बेटे हम अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी पोलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो आज हम बातें कर रहे थे अबाउट एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में मैंने आप लोगों को आज हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है आज? वी हैव टू अस टुडे स्टडी अबाउट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, दैट कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए बच्चों। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म अगर हम डिस्कस करेंगे आज, हम टुडे विल डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आज हम बात करें बच्चों। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में अगर हम बात करें, तो पहला मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट जमींदारी, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी का एलिमिनेशन बेटा, एलिमिनेशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम के बारे में आपको बताया था। जमींदारी सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जो ब्रिटिश टाइम के थ्रू स्टार्ट किया गया था सिस्टम, और इसमें यह था कि एक जमींदार होता था, एक पर्टिकुलर एरिया का एक बंदा पूरा टैक्स पे करने की रिस्पांसिबिलिटी ले लेता था, और पूरे टैक्स पूरे उस एरिया के लैंड का एक तरीके से ओनर बन जाता था, और वो लोगों से उस जमीन का टैक्स जितना पे करता था उसका कहीं ज्यादा वो लोगों से कलेक्ट करता था। फिर मैंने बताया था कि जमींदार और लग्जरीज लाइफ होते चले गए, वो अपने नीचे जमींदार, तो वो जितना मेन जमींदार जितना गवर्नमेंट को देता था उसके नीचे वाला उसको देता था, तो वो उससे ज्यादा कलेक्ट करेगा, और फिर वो अपने नीचे जमींदार बनने लगा, और इस तरीके से जमींदारों के कई लेवल बनने लगे, और रिजल्ट क्या हुआ बच्चों कि बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेशन ब्रिटिश टाइम पे एज लैंड टैक्स से एज रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे टाइम हमारा देश आजाद हुआ, तो सरकार ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट किया, दैट वाज एलिमिनेशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। ठीक है बच्चों, एलिमिनेशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम को सरकार ने बेटा एकदम से खत्म कर दिया,
और उन्होंने कहा कि जमींदारी सिस्टम विल नॉट सिस्टम वाज अबोलिश्ड, जमींदारी सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया, तो ये एक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ, वो क्या था बच्चों, जमींदारी सिस्टम का एलिमिनेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को बेटा एलिमिनेट कर दिया गया या अबोलिश कर दिया गया किसको बेटा, जमींदारी सिस्टम को कम्प्लीटली अबोलिश कर दिया गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, ये भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर आता है, अबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। इसके बाद बच्चों मैंने बताया था कि सरकार किसानों को डिफरेंट टाइप्स के कर्ज से बचाने के लिए और लोगों के डेब ट्रैप का मतलब होता है कर्ज के पिंजरे से बचाने के लिए, जो गांव के साहूकार होते हैं या जो गांव के बच्चों आपके महाजन होते हैं या जो गांव के जमींदारी टाइप के लोग होते हैं, मनी लेंडर्स जो होते हैं, वो बेटे किसानों को बहुत हाई रेट में इंटरेस्ट देते हैं और बदले में उनके अंगूठा या बदले में उनके फील्ड के एग्रीकल्चरल फील्ड के डॉक्यूमेंट्स अपने पास गिरवी रख लेते हैं। और जब किसान बेटे अनेबल हो जाता है, किसान फार्मर्स बिकम्स अनेबल टू पे देयर डेब्ट, तो रिजल्ट क्या होता है, उनकी जमीन को हायर अप कर लेते हैं या इस तरीके से डिफरेंट तरीके से उनको डेब्ट ट्रैप में फंसाते हैं और उनकी पूरी लाइफ को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं एज अ डेब्ट ट्रैप। इसके बारे में आप लोग बच्चों जब हिस्ट्री में नॉवेल्स पढ़ोगे, तो एक जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड एक नॉवेल्स लिखा था मिस्टर प्रेमचंद, जिसे इंडिया का नॉवेल के केस में इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है, नॉवेल के केस में। वैसे शेक्सपियर ऑफ इंडिया कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बेटे शेक्सपियर ऑफ इंडिया में जो आंसर लगाएंगे वो वाल्मीकि को लगाएंगे, लेकिन नावेल से केस में कभी कभी शेक्सपियर ऑफ इंडिया हम प्रेमचंद को भी कह देते हैं। प्रेमचंद ने भी बेटे करंट सोसाइटी से रिलेटेड बहुत अच्छे नावेल्स लिखे और उनके नावेल्स में देखो तो यही एक्सप्लॉयटेशन दिखाते हैं। और उसमें उन्होंने एक नावेल्स लिखा था, उस नावेल्स का नाम क्या नाम था, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, नावेल्स तो बहुत अच्छा था, जिसमें एक धानिया और होरी की कहानी बताता है और बताता है कि धनिया एंड होरी किस तरीके से जिंदगी भर उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया, और जब होरी की डेथ हो जाती है तो धनिया से एक्सपेक्टेशन करते हैं वो लोग कि किसी भी तरीके से धनिया की एक गाय थी उस गाय को ले लिया जाए, और उसके लिए बताते हैं कि आपके पुरोहित लोग बताते हैं कि आपके हस्बैंड की आत्मा भटक रही है, उसको सही करने के लिए आपको पूजा करना होगा, तो वो बताती हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो कहते हैं गाय ही हमें दान दे दो, तो उसको बहुत अच्छा गिफ्ट ऑफ काऊ, इंग्लिश में गिफ्ट ऑफ काऊ कहा जाता है, गोदान, यस क्लियर, गोदान और नॉवेल्स की कहानी थी, तो गोदान नॉवेल्स की कुछ ऐसी कहानी। तो मिस्टर प्रेमचंद ने बहुत हिट किया है इस तरीके के सिस्टम को, अपने नॉवेल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा लाइमलाइट करने की कोशिश किया है और सरकार के थ्रू सरकार या पढ़े लिखे लोगों को का अट्रैक्शन उधर ड्रा करने की कोशिश किया है, खींचने की कोशिश किया है, ताकि लोग जान सके कि कैसे किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होता है या होता रहा है। तो बच्चों इस तरीके से क्या कहते हैं, ये जमींदारी सिस्टम का एंड किया गया। दूसरा बच्चों, तो इस ड्रैप ट्रैप से बचाने के लिए सरकार ने बेटा एक स्कीम चलाई, उस स्कीम का नाम बेटा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। सरकार ने एक स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जिसे क्या कहा जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड का पॉलिसी किसने चलाया बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया, और उन्होंने कहा किसानों को, हर किसानों का केसीसी नाम से, ये बहुत फेमस है, केसीसी बनेगा, किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा, केसीसी बनेगा, और हर किसान अपने जमीन के हिसाब से केसीसी बनवाएगा, और बैंक से वो एक बार डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद बेटा किसान बैंक से कर्ज जिस वजह से लेते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ज्यादा डरते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से वो बेटा बहुत ज्यादा जरते हैं, डॉक्यूमेंटेशन मतलब बार बार बैंक के पास अपने खेत के कागज, खसरा, खतौनी, ऐसे करके लोग नाम बताते हैं, उनको लेके जाना, इस प्रोसेस से वो बहुत डरते हैं, तो इस वजह से डॉक्यूमेंटेशन
आके प्रोसेस से किसानों को बचाने के लिए ये कहा गया कि एक बार जब किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा तो आप जितने अमाउंट का बनवा लेंगे, 2 लाख का बनवा लेंगे तो, या 4 लाख का, 1 लाख का बन जाएगा तो 1 लाख तक का लिमिट में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, और जब वो पैसा भर देंगे तो आपका फिर से एक लाख रुपये तैयार होगा। या आप केवल कुछ पार्ट निकालते हैं, 20,000 निकालते हैं, 10,000 निकालते हैं, तो जितना निकालेंगे उतना ही का आपको इंटरेस्ट लगेगा और उतना आप भर देंगे। और इंटरेस्ट रेट बहुत लो रखा गया, और ये कहा गया 2% पर ईयर। जो बेटे साहूकार लोग, डेप्टर लोग, या जो साहूकार ये लोग जो ये लोग डेप्टर लोगों को पैसा देते हैं, यानी कर्जदारों को पैसा देते हैं, वो 5% 6% पर मंथ का होता है, 10% पर मंथ का होता है, लेकिन सरकार ने कहा ये 2% पर ईयर, यानी 100 रुपीज में 1 साल का इंटरेस्ट केवल 2 रुपए ही होगा। और सरकार ने ये भी प्लान किया कि अगर कोई बंदा प्रॉपरली टाइम से अपना कर्ज हर साल रेवेन्यू करा देता है, हर साल भर देता है, तो उसका ये पैसा भी माफ कर दिया जाएगा, जो 2% लिया जा रहा है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। तो सरकार इस तरीके से बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, या कह सकते हैं कि बैकबोन ऑफ द इंडियन फूड प्रोवाइडर के रूप में किसानों की हेल्प करती है। इसके बाद सरकार बेटे डिफरेंट तरीके की सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स हो, चाहे वो आपका HYV सीड हो, सब में सरकार अपनी सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और सब्सिडी प्रोवाइड करके किसानों को अफोर्डेबल रेट में चीज़ों को प्रोवाइड करती है, ताकि किसान लोग, ताकि फार्मर्स लोग बेटे उन चीज़ों को, वो चीज़ें किसानों के लिए अफोर्डेबल हो जाए, और वो लोग उस पैसे को, उस मतलब उस चीज को खरीद सके, ताकि वो अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में उसे यूज कर सके, और यूज करने के बाद उसे वो मतलब यूज कर सके। तो वो अफोर्डेबल रेट में सरकार सब्सिडी से प्रोवाइड करती है। सब्सिडी का मतलब होता है कि सरकार खुद उसका बाकी का पैसा पेमेंट करती है, इसे कहते हैं सब्सिडी रेट। तो बच्चों इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, हाँ सरकार ने बेटे और भी कुछ पॉलिसीज लाई, जैसे सरकार ने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रामीण बैंक, किसानों को कर्ज प्रोवाइड करने के लिए, किसानों की नीड्स को पूरा करने के लिए सरकार ने बेटा गांव में ग्रामीण बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया। ग्रामीण बैंक मतलब दे आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज एरिया, स्पेशली गांव के डेवलपमेंट के लिए ग्रामीण बैंक का फॉर्मेशन किया गया, ग्रामीण बैंक का फॉर्मेशन किया गया, ताकि किसानों को बैंक से रिलेटेड काम को, या किसान क्रेडिट कार्ड को बनवाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रामीण बैंक इन द डेवलपमेंट फॉर द प्रोवाइडिंग द मतलब लोन टू द फार्मर्स इन वेरी स्पेशल। वो इसके बाद बच्चों सरकार डिफरेंट टाइप के वैदरिक बुलेटिन प्रोग्राम्स को भी थ्रू द रेडियो या टेलीविजन के थ्रू, किसान दर्शन या किसान भाइयों का प्रोग्राम के थ्रू डिफरेंट तरीके के मतलब प्रोग्राम्स को रिले कराती है, ताकि किसानों को सारी चीज़ों की जानकारी हो सके। ये भी एक स्पेशल बुलेटिन फॉर द वेदर एंड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए टीवी एंड रेडियो में प्रोग्राम सरकार प्रोवाइड कराती है। इसके बाद बच्चों सरकार ने MSP इम्प्लीमेंट किया। MSP के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सरकार जानती है बेटा, हम लोग जानते हैं कि जब एग्रीकल्चरल टाइम होता है, एग्रीकल्चर का टाइम होता है, तो उस सिचुएशन में बच्चों क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के समय ऐसी सिचुएशन आती है, सच टाइप्स ऑफ द सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि मटेरियल जो अमाउंट होता है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में प्राइसेस काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन बेटे हमारे जो मेडिएटर होते हैं, जो चीजों को अपने पास सस्ते रेट में अपने पास स्टोर कर लेते हैं, और फिर बाद में उसको ब्लैक मार्केट के रूप में हाई प्राइसेस में मार्केट में बेचते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में हम पाते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें मिलता क्या बच्चों, ऐसी सिचुएशन में वी गेट्स इट दैट कि अब जो वो लोग बाद में बहुत हाई प्रॉफिट में चीज़ों को बेचते हैं। तो सरकार ने कहा नहीं, हम इस ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करेंगे, और हम खुद अपने शॉपिंग सेंटर खोलेंगे। शॉपिंग सेंटर मतलब हम खुद अपने सेंटर खोलेंगे, जहां पर हम किसानों के प्रोडक्ट को एक ऑनरेबल प्राइस में कलेक्ट करेंगे, खरीदेंगे, और उसको हम स्टोर करेंगे, ताकि जब क्राइसिस हो और जब चीज़ों की कीमत बढ़ना स्टार्ट करें तो उसे हम मार्केट में उतारें। अगर उसे हमें मार्केट में उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम जहां पर एपिडेमिक हो जाए, जहां पर डॉट पड़ जाए, वहां पर जो है सूखा पड़ जाए, या जहां पर बाढ़ आ जाए, वहां जहां जरूरत हो वहां पर उस फूड को सप्लाई कराएंगे, और गरीबों को हम बहुत सस्ते रेट में उसी पार्ट के फूड के रूप में हम सप्लाई करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि पीडीएस सिस्टम मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू आप लोग जानते हो कि
गरीबों को 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो गेहूँ चावल प्रोवाइड किया जाता है और भी ढेर सारी चीनी वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। तो सरकार की विशेष स्कीम्स है MSP के थ्रू है, इसकी बेसिक चीज MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से सरकार ने इस चीज को स्टार्ट किया। और फिर बच्चों सरकार ने कहा कि इसने के साथ हम क्या कहते हैं, अगर हमारे पास इन सब चीजों की जरूरत के लिए पूरा हो जाएगा तो फिर हम उस मटेरियल को जिसे हमने खरीद कर रखा है उसको हम फॉरेन एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज को गेन करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू इसमें किए गए। इसके बाद बच्चों गवर्नमेंट साफ डायरेक्टली बाइज द क्रॉप्स, सरकार ने ये तो मैंने पहले बता रखा है, सरकार ने डायरेक्ट क्रॉप्स के रूप में बेटे कलेक्ट करती है, फ्रूट मटेरियल को क्रॉप्स के रूप में भी स्टोर करती है। तो इस तरीके से बच्चों ये कुछ, फिर इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं फंडामेंटल रिफॉर्म्स के बारे में, देखते हैं कि सरकार ने बेटे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म भी कुछ किया, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म किया, जैसे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म भी सरकार ने किया। और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में सबसे पहले बेटे HYB सीड प्रोवाइड करना और उसका डेवलपमेंट करना, डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट साइंटिफिक सेंटर इस्टेब्लिश करना जहां पर रिसर्च हो सके और HYB सीड बनाए जा सके, हाई प्रोडक्टिव सीड का फॉर्मेशन किया जा सके, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का फॉर्मेशन किया जा सके, सरकार ने ऐसे इंस्टीट्यूशन भी खोले। इसके बाद सरकार ने बेटे केमिकल्स, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स के लिए डिफरेंट वो किराया। इसके बाद बच्चों टाइमली स्प्रे ऑफ, हाँ सरकार बेटा MSP ये तो मैं बता ही चुका हूँ, सरकार इस तरीके से कोशिश कर रही है कि किसान मतलब फार्मर की कंडीशन को बेटर किया जा सके। अब बेटे हम एग्रीकल्चर के कुछ चीजें पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी में कैसे हेल्पफुल होती है और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बच्चों इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का रिकॉर्ड देखा जाए तो हम देखें बेटे तो लगभग हमारी जो हम अपने जो इनकम है कंट्री की GDP है जिसे हम कहते हैं GDP या उसी में जब हम फॉरेन इनकम को जोड़ देते हैं फॉरेन इनकम को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है बेटा GNP। क्या बन जाता है? GNP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो जब हम बेटा किससे जोड़ देते हैं? फॉरेन एक्सचेंज से जोड़ देते हैं, FI से जोड़ देते हैं, फॉरेन इनकम से जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों? GNP मिल जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस फॉरेन इनकम इज इक्वल टू GNP। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब जो हमारा GDP में है वो मतलब प्रॉब्लली 3 सेक्टर्स को हम इसको बांटते हैं बेटा। तो इनकम के सोर्सेज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राइमरी बेटा प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्शियरी। तो इसके बाद प्राइमरी सेक्टर में जो आता है बेटा वो